इस खबर के प्रायोजक है ग्लोमैक्स अस्पताल। डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर मसूद जई, पुराना किला मोड़ सिवान। डॉक्टर मंजीत रंजन एवं डॉक्टर रागनी सिंह, झूनापुर बाईपास रोड सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। सिवान में कृषि का ऋतिक रोशन गिरफ्तार, बना रहा था रील, आरपीएफ कर रही है पकड़कर पूछताछ। सिवान में कृषि फिल्म का ऋतिक रोशन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। शूटिंग के दरमियान पकड़ा गया है कृषि। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सिवान में कृषि फिल्म की तरह कृषि के लुक में एक लड़का पकड़ा गया है, जिसका नाम मिराजुद्दीन अहमद, पिता हाफिज अंसारी, जो बहड़िया थाना क्षेत्र के जामो गाँव का निवासी है। वो अपने दोस्त फरहान अहमद के साथ सिवान रेलवे स्टेशन कृषि फिल्म में ऋतिक रोशन जो है उसी के गेटअप में वो रील बना रहा था, जिसको आरपीएफ के स्टाफ ने मना किया तो वो नहीं माना, जिस पर आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए धारा 387/23 के तहत मामला दर्ज कर उसे पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि आरपीएफ ने क्या कुछ कहा है। इस पूरे मामले पर आरपीएफ सुरेश पांडे ने बताया कि वो अपनी टीम के साथ रेलवे पर गश्त कर रहे थे, तभी एक लड़का क्रिश के गेटअप में रील बना रहा था, जिसको मना करने पर वो नहीं माना। हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए 387/23 धारा के तहत मामला दर्ज कर उससे पूछताछ किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप बता दें कि सिवान में जो ऋतिक रोशन है क्रिश, वो गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अनाधिकृत रूप से वो रील बना रहा था, जो कि आरपीएफ के स्टाफ के द्वारा मना करने पर भी वो नहीं माना, जिसके बाद आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो फिर से एक बार बड़ी खबर आपको बता दें कि सिवान में क्रिश जो है गिरफ्तार किया गया, ऋतिक रोशन बनकर उसी के गेटअप में, और वो क्रिश का रील बना रहा था, जब उसे मना किया गया आरपीएफ के द्वारा तो वो नहीं माना, तो आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। आइए बात करते हैं कि पकड़े गए क्रिश ऋतिक रोशन ने क्या कुछ कहा है। जो लोग खबर देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, धन्यवाद। और रियल हीरो क्रिश यूट्यूब चैनल क्रिएट करता हूँ, और मैं सिवान जिला में स्टेशन पर वीडियो बनाने आया था, और पहली बार आया था, ये गलती हो गया मुझे आके, कि मैं आया था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, एक हेल्प करूंगा और पब्लिक के पास एक मैसेज दूंगा कि कोई गलती ऐसा ना करे कि ट्रेन आ रही हो और वो सामने खड़ा हो या कुछ भी कर रहा हो, ठीक है ट्रेन आ रही है, गलती कर देते हैं लोग, खड़ा हो जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो ऐसा गलती ना करे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा था इसी चीज़ को मैसेज देने के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है गाइस, तो यहाँ के रेल परिक्षेत्र में आने के लिए वीडियो रील बनाने के लिए रेल प्रशासन से कोई परमिशन लिया हो? नहीं सर, इसके बारे में तो तुमको पता है कि जैसे रेल पर आ करके इधर आ करके आप वीडियो पिक्चर फोटो शूट नहीं कर सकते हैं। आपकी गलती, आपको गलती एहसास हो रही है? बहुत एहसास हो रहा है, ऐसा गलती हमको नहीं करना चाहिए और इस गलती का हम क्षमा चाहते हैं, शर्मिंदा है खुद में। तुम इसी के साथ हो? तुम्हारा क्या नाम है? उम्र क्या है तुम्हारी? 17 साल। क्या करते हो? नीट का प्रिपरेशन 17 साल में? इंटरमीडिएट हो गया है? नीट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसके साथ क्यों आए थे? तुमको पता है कि रेलवे स्टेशन पर फोटोशूट करना, वीडियो बनाना बिना परमिशन के, हायर अथॉरिटी के, गैर कानूनी है, पता?